ए टू जेड हरियाणा और गजब हरियाणा द गजब हरियाणा लोकल एक्सप्रेस सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा यानी नेशनल हाईवे रोड पे फिलहाल खड़े हैं जी नरवाना रोड पे। और आज की जो ताज़ी ताज़ी घटना हुई है, हालांकि कैमला तो शुरू हुई थी यह कहानी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आना था, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरन दिया, उसके बाद दुष्यंत चौटाला का विरोध कराया गया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने एक बयान दिया था भाई जब तक आंदोलन चल रहा है आप ये प्रोग्राम रोक दो क्योंकि भाईचारा भी खराब होने लग रहा है, क्योंकि आपस में कुछ पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी हमदर्दी रहो है पार्टी तय, तो इस तरीके का भाईचारा में भी फाट आवे थी और जनता भी विरोध कर रही थी और जरा विरोध होगा और आना भी मतलब मुनासिब नहीं होता, तो कई जगह विरोध कराया गया। और परसों हिसार में पूरा जो घटनाक्रम होया वो भी आपने देखा किस तरह मतलब पुलिस वाले की भी माटी पीटी है, आम जनता की तो पिटनी है थी और बहुत हजारों की संख्या में मतलब पुलिस फोर्स लगाई गई, हालांकि कई बार ऐसा हुआ जरा जरूरत हो पुलिस वाले नहीं पहुंचन पाते इन गतिविधियां के दौरान। आज रोहतक में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं, उनका भी विरोध कराया गया और लाठीचार्ज भी होया है, एक दो बुजुर्ग आदमी का सिर भी फूटे है। तो अपने साथ में खड़े खेड़ा काप के प्रधान पहलवान सतवीर फौजी जी और कॉमरेड हैं फूल सिंह शोकन जी, तो राम राम जी। राम राम जी। तो प्रधान जी के कुछ कहना चाहोगे, देखो पहले भी मतलब इसी गतिविधि हुई है भाई इनका गृह मंत्री ने हालांकि ये कहा था भाई आप रैली ना करो यानी कोई प्रोग्राम में ना करो, उसके बावजूद दोबारा शुरू हो गए हैं मतलब सुर्खियां में चलने लगी ये चीज, जड़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा किसान पहुंचे भी हैं और भारी पुलिस बल भी पहुंचे हैं, तो क्या कहना ऐसा है कि पहली बात तो आप जिसको गृह मंत्री कह रहे हो ना, हाँ जी, ये गृह मंत्री और ये प्रधानमंत्री इस सारे प्रकरण के इन कानून बनाने के और ये देश को बेचने के ये मुख्य जिम्मेवार हैं। बीजेपी के इन नेताओं के बारे में ये कहना कि वो ये कह रहे थे वो कह रहे थे ये बिल्कुल झूठ है, ये उनके कहने से ही तो आ रहे हैं, वरना जब जनता ने बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रखा है ये बार बार क्यों आते हैं? इनका आने का केवल एक ही मकसद है कि लोग आपस में भिड़ जाएं, लोग आपस में भिड़ जाएं या आंदोलनकारी किसान और पुलिस भिड़ जाए, जबकि पुलिस के अंदर जो जवान है वो भी किसान और मजदूर का बेटा बेटी है। लेकिन किसान आंदोलन बहुत शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है और जब ये शांतिप्रिय तरीके से चलते हुए ये इसको पसंद नहीं आई बात है, आपको ये मैं जानकारी भी दे दूं कि अभी 18 तारीख को विधानसभा के अंदर एक कानून पास किया है, विधेयक था और कल राज्यपाल ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत कर दिए, अब वो कानून बन गया है, उसका नाम है अक्षतिपूर्ति विधेयक। अच्छा जी। यानी किसी भी आंदोलन के दौरान कोई भी नुकसान किसी किस्म का होता है उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। बिल्कुल। और आंदोलनकारियों में भी जो धरने प्रदर्शन पर बैठे उनसे नहीं, किसी से भी किसी का भी नाम लिख दो। अच्छा जी। और अगर वो नहीं होगा, प्रॉपर्टी अटैच करने के भी उसके अंदर प्रोविजन किया है, सजा का भी प्रोविजन है, ट्रिब्यूनल बनाएंगे, यानी कुल मिलाकर के ये एक ऐसा कानून बना दिया कि खट्टर ये समझता है कि हरियाणा के अंदर बिल्कुल कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की आवाज़ ना उठा पाए, कोई आंदोलन ना कर पाए, ये आंदोलन को कुचलने के लिए है और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई अपनी समस्या को लेके, समस्या यहाँ बहुत है, आज किसान मजदूर कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कल कभी बिजली का सवाल पैदा होता है, कभी पीने के पानी का सवाल पैदा होता है, कभी फीस बढ़ गई, कभी बिजली के रेट बढ़ गए, कभी डीजल के बढ़ गए, रोज़ रोज़ की समस्याएं रहती हैं, मंडी में कभी बोली नहीं होती, फसल नहीं खरीदी जाती और जब तक लोग इकट्ठे नहीं होते। जो रोहतक में होया प्रकरण उस पर आप क्या कहना चाहोगे, जो सिर फूटे हैं एक दो? ऐसा है कि रोहतक के अंदर हमें अभी जो जानकारी मिली है कि वहाँ किसानों ने इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री जो अस्थल भोर के अंदर मस्तनाथ जो संस्थान है वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी थी, वहाँ लोगों ने हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया, इसके बाद वो पुलिस लाइन लेके गए हैं और जब वहाँ लोग इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पुलिस के भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो संयम से काम लें, किसानों की तो मजबूरी है, किसान तो बहुत ही अनुशासित और संयम से बैठे हैं लाखों की संख्या में, लेकिन हमारे बीच में किसानों के बीच में आज बहुत ही बहुरूपिये भी घूमते हैं जो नाम किसान का लेते हैं और वो बीजेपी और आरएसएस के दलाल हैं। ये कई घटनाएं पहले उन्होंने सिंगू बॉर्डर पे भी की, टिकरी बॉर्डर पे भी दुष्प्रचार किया और वो कई बार टोलों पे भी आ जाते हैं, अब टोलों के ऊपर भी आ जाते हैं, बाहर से आके कोई परिचय दे के बोल ले
क्या करेंगे कमेटी वाले? करेंगे। एक मिनट प्रधान जी, आपकी क्या राय है जो आज रोहतक में घटना हुई है? भाई हमारी तो राय यही है जो देशी राय है, जब पहले ये कह रखे है बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया है पार्टी का, जेजेपी का यू उप मुख्यमंत्री, छोटा मुख्यमंत्री, जब खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने ये फैसला किया भाई जब तक आंदोलन चला आप हमारी हरियाणा की धरती पे ना उतरिए ना आइए, ये जो रोड हैं बाई रोड बोला जिसने, आपके लिए आउट ऑफ बाउंड हैं, यानी नो एंट्री है आपके लिए, फिर भी ये एक आधी जगह धक्का कर जाते पुलिस का सहारा लेंगे, वहाँ हमारे किसान भाई घायल हो हैं, क्यों किसान मजदूर पसंद तो उठना ही उठना नहीं, जहाँ ये जाएंगे वहाँ पीछे पीछे मुखार आ जाती बीजेपी जेजेपी की, हमारे किसान मजदूर भाइयों ने, जैसे इनके मुखार होगी बांस होगी, इनके हमारी देसी भाषा इनकी बांस दूर तक फैल जाती है, कोई दूसरे कुंडली दिखाई दे, कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह कुंडली दिखाई दे, आज मुख्यमंत्री आ गया, जब मुख्यमंत्री का आदर ही नहीं हो रहा हरियाणा में तो इसका आन का कोई फायदा नहीं भाई, कोई फर्ज नहीं बनता, मुख्यमंत्री कागजा में है जमीन पर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो आदर कर हम चेहरे देख दे, प्रधानमंत्री के चेहरे देख दे भाई, आज प्रधानमंत्री आ रहा है जींद में चलो भाई पैदल चलो हूँ चलो, अरे मुख्यमंत्री जरा आ रहा आदर मान को फूल बगाया करदार को माला घल आता, आज वो कड़ा तो फूल गए कड़ा माला गई कड़ा आदर सत्कार गए, ये क्यों अपना खो रहे हैं, क्यों ही आने वाली पीढ़ी को भी ये जहरे में राजनीति का दाग दाग ला रहे हैं, राजनीति के प्रधानमंत्री का तो यू इरादा है कि भाजपा का दूसरा नेता भाजपा के नाम पर प्रधानमंत्री देश में ना बने, प्रधानमंत्री जी का तो यू इरादा है, और मुख्यमंत्री का नहीं हो रहा है कि भाई दोबारा तुम्हें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं, ईब तो कितनी तोड़ फोड़ खून खराबे करा फिर तेरा हाथ में रहेगा नहीं, जब मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो एक पुलिस वाला भाई भी नहीं रहेगा, तो लोग सामना नहीं भी नहीं रहेगा, क्यों ये डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र है, ये प्रजा का राज है, कल प्रजा बदल देगी, हम तो हाथ जोड़ के बार बार ये करे भाई हमारी शांति भंग ना करे, हमारे धरने पे दिल्ली बॉर्डर पे हमारी शांति भंग ना करे, हम शांति से चार भी नहीं होगे, किसी दुकानदार भाई की मूंगफली छेड़ी हो, किसी भाई का खरोस आई हो, किसी ने कड़ुआ बोलिया हो हमने आप जी, लेकिन 3000 कड़ुए बोले महाराज जी, खालिस्तानी पाकिस्तानी अलगावादी नस्कलवाद डाकू जुटेरे हम तो सारी सहन कर रहे हैं, 350 हमने आदमी खो दिया अपने वह भी सहन कर रहे हैं, अरे भाई सब कुछ सहन कर रहे हैं हमें, फिर तो हमने क्यों छेड़ा है कि हमने हमने आंदोलन कर दे, क्योंकि एक चीज़ देखी गई है प्रधान जी भाई जड़े भी आम हैं, हालांकि मना कर क्या पब्लिक ने भाई अपना विरोध तो होगा इन्हें भी पता है, लेकिन लुकदे 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 डर तो इनके भीतर में है, फिर उड़ा केस होने शुरू हो जाए हैं, अब रवि आजाद था जिस तरह प्रदेशाध्यक्ष था युवा का हरियाणा का, वो गिरफ्तार कर लिया, मुकदमे लगाए गए, तो स्त्रियों की जो गतिविधियाँ हो रही हैं जो ऊपरली सरकार बोला हम वह तो प्रधानमंत्री की सरकार, और निचली सरकार हम बोला हाँ वह मुख्यमंत्री की सरकार, 6 साल हो गए इन्हें, इनके पास दूसरी कापी ही नहीं, ना विकास का कोई रजिस्टर, ना इन कड़ियाँ विकास कराया, चाहे तो यहाँ आके न्यू बताओ ई वी न्यू का हम उद्घाटन करा, उद्घाटन क्या का करा, उद्घाटन तो किमें बिल्डिंग कॉलेज स्कूल किमें बन जी उसी का होया करा है, अगू माता 2 इंच तरीके उद्घाटन हो है, तो उद्घाटन क्या का करें हैं, क्या है उद्घाटन ही हमारा आंदोलन ने तोड़ना चाहे हैं, ये न्यू दिखाना चाहे फौज रिसाले वाले हैं ताकतवर हाँ कानून, ऐसा कुछ नहीं है देश में प्रजा का राज रहेगा, और प्रजा का राज पहला था, ये गलती होगी देश से तो कोई बात नहीं, गलती तो अच्छा आदमी से भी हो जाए, बकाए देश है देश ने कहा भाई मैं 15 लाख खात्या में दूंगा, ओड़ा भाज लिया हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवा ओड़ा भाज लिए, एक रैंक एक पर्सन लागू करवा ओड़ा भाज लिए, युद्धन खड़ता भाई यू आर राय दिया जनता ने राय दिया, अरे यू फिर के बोलना अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बना दिया, क्यों बना दिया भाई कोई पूछ सही तो पूछनी है, यू महारत हो रहा 2012-13 को उशाना में था और कुर्ते काट रहा था, महाराज मेरा तो वीडियो है अखबार की कटिंग है धनखड़ की बता रहा हूँ, यू महाराज और बैठा हुआ जाना जरा दूसरी गोगला करना चाहो नहीं बोले मारी सरकार ला दो हमें
स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, पहली कलम तो लागू करांगे। हम इसे भूखा है भाई, आंदोलन भी हमने मिस कर दिया। माँ भाई इनकी सरकार लिया जो ये कलम किसी की नहीं फांदी। अच्छा बने पास गए हम इधर हमारे भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट कह देता हूँ निबला कहने के इसे कहने के दांत हो रहे हैं और न दिखान खान के दांत और हैं, दिखान के दांत और हैं। फिर एक मिसाल और दिया इस भाई ने, बिला जब शादी होती है तो जो दूल्हा बनने की तैयारी करता है दुल्हन को ये कहे है तेरे लिए चांद सितारे ले दूंगा। बिला चांद मतलब सपने दिखावे, सिर्फ सपने दिखावे, चांद सितारे किसे पे नहीं आए। इन इस हमारा भारत देश को सपने दिखाई दिए, भारत देश इनका कट हो गया, दूसरे देश निंदा करने लग गए। ये भी वो 2024 की हमने तैयारी कर रखी है, बुखलाए रहे इनमें भी फूट हो रही। गृह मंत्री का आप नाम ले रहे थे ना, गृह मंत्री यू किसाना का मुंह करके तो नहीं होगा भाई, हमने रोक दिया मेरा डब्बा, फिर रोक दिया था तो गृह मंत्री का इस्तीफा दे दे। जो तेरी सरकार तेरी मायने मेरी गृह मंत्री का पद ले बैठे है तो इस्तीफा दे दे, ताकि पूरा हरियाणा रुका जाए। ले भाई अनिल बिज लिखड़िया भाई सही छोरा पक्का जबान का, इस्तीफा दे दे। पाँच सब कुर्सी से पे बैठे आगे का मैं ये रैली बंद कर दी। मैं किसाना का इतना हूँ, किसान मारे भाई हैं भाई, इस सरकार का ना तो कोई भाई ना भतीजा ना देवर जेठ कुछ नहीं है इस सरकार के। तो पहली बात तो घर परिवार हमारा उलाद आस के हम इन पर नहीं मिलने लायक जी, भैया तेरा चोरी से लाएगी तो नेम दे, ये किसका नेम देगा। वो है नेम है इन्हें जो 2014 में नेम कराया था कि मैं नेम करता हूँ स्वामीनाथन लागू रिपोर्ट करूँगा, एक रैंक 1% लागू करूँगा, 15 लाख हर खाता में आऊँगे, तो इन्हें नेम कराया था। और ये नमक राम की आबादी देता हूँ मैं इनको, नमक राम जिसका नमक खा ले नहीं उसने आराम नहीं करना चाहिए। भारत देश का नमक खा लिया ने इन्हें आराम नहीं करना चाहिए, खून खराबे नहीं कराने चाहिए। लेकिन किसान 2024 तक बाढ़ देखेंगे। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ताऊ मेवा सिंह खड़े हैं रोहतक काले कांड पर, केक हो गए थोड़ी हल्का फुल्का लाठी चार्ज है, एक दो बुजुर्ग का सिर भी फूटे है भाई। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री थोड़ा बहुत हुआ को नहीं, जमा दी लागे फोड़ गड़े, जमा दी लागे फोड़ गड़े। इन तीन क्या ताव है नाटे बाते क्या क्या ताव है, ये मरोड़ दिखावे हैं, मरोड़ दिखावे बता है कुछ है। और ये प्रधान कथा बिल इन नेम करे थे, नेम करा करा है सुलाद वाला इनका सही रास्ते निक में आगा पासा इन नेम कहेगा करा ले इन पे, ये तो मरोड़ दिखावे हैं, मरोड़ दिखावे हैं। चलो भाई अपन बात करिए प्रधान जी, बात करी मुद्दा रोहतक का था भाई, मुख्यमंत्री काना पर जो किसानों द्वारा विरोध कराया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, लेकिन बात इन्हें ये कही है घोषणा, इसमें कोई शक नहीं है घोषणा, सिर्फ इनकी चुनावी घोषणा हुआ है और वो घोषणा घोषणा है महाराज कार्यकाल पूरा हो जाए। तो बात करी इन बातों में आपका मानना है कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आप अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया जरूर दियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।